संगत दोस्ती यारी ये जिंदगी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, मगर गैंग दोस्ती यारी नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप है। इसमें आप घुसोगे तो किसी काम के लिए, और जिस दिन आप काम आने बंद हो गए उस दिन जंग लगे औजार की तरह आप ही के गैंग के शूटर आपको निकाल बाहर फेंकेंगे। मगर गैंग लाइफ से कोई चल के या दौड़ के नहीं, अर्थी पर चढ़कर ही निकलता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र जाना जाता है अपनी दुर्गत दशा, खुली इंटरनेशनल बॉर्डर और मारधाड़ की परंपरा के लिए। 90 के दशक में यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी पहुंच गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक आज भी है। यह है वाइस गाइड टू क्राइम इन इंडिया, का से क्राइम, क्रिएटेड विद एमेजोन प्राइम ओरिजिनल्स मिर्जापुर। मिर्जापुर ईस्टर्न यूपी में बनारस के पास एक छोटा बड़ा सा शहर, ये कोलकाता और दिल्ली के लगभग आधे रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर मिलते हैं नेशनल हाईवे 19, 35 और पूरे फसाद की जड़ नॉर्थ इंडियन रेलवे। क्योंकि यूपी में क्राइम के बारे में अगर जानना है तो रेलवे की कहानी से शुरू करना पड़ेगा भैया। 1845 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने कलकत्ता से दिल्ली वाया मिर्जापुर रेलवे लाइन बनाने का खर्च एस्टिमेट किया था करीबन 15,000 पाउंड। लेकिन रेलवे लाइन पर उन्होंने असल में खर्चा किया 1,50,000 पाउंड, यानी कि एस्टिमेट का 10 गुना। यूपी में आज भी चीज़ें कुछ ऐसे ही काम करते हैं, सिर्फ रेल ही नहीं, सड़कें, पुलिया और बाकी लोक निर्माण वाले काम सरकार प्राइवेट ठेकेदारों को ही देती है, जिसके लिए वो मांगती है टा से टेंडर। सरकारी टेंडर लगते तो हैं एक दाम पर काम होता है किसी और ही दाम पर, और बीच के हिसाब के खेले में बनता है ठेकेदार का मुनाफा। ये काम तो आसान है, मुश्किल पड़ती है टेंडर लगवाने में। वैसे तो टेंडर लगता है सबसे कम बोली लगाने से या फिर सरकार में किसी से जान पहचान होने से, पर अगर आपकी किसी मंत्री, सांसद या पार्षद से रिश्तेदारी नहीं है तो टेंडर आपको छीनना पड़ेगा, और टेंडर छीनने के लिए चाहिए ग से गैंग। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गोरखपुर। पहले आप जानते हैं टेंडर्स के लिए पहले फॉर्म बिकते थे, फिर फॉर्म जमा होते थे। वहाँ पे दो बड़े प्लेयर्स थे गोरखपुर में, वन वाज तिवारी जी एंड अनदर वाज शाही जी। बेसिकली ये टेंडर के झगड़े को लेके ये शुरू हुआ, और बाद में फिर इसको व्हाट दे टर्म्ड इज वर्चस्व की लड़ाई में ये कन्वर्ट हो गया कि कौन बड़ा है, तू बड़ा कि मैं बड़ा। पहले तो ये होता था कि आप कागज भर के लेके जा रहे हो, ड्राफ्ट लगा करके आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स में डालना है, तो वहाँ पे इनके आदमी रहते थे, किसी को घुसने नहीं देते थे। तो टेंडर को लेकर के गैंग में आपस में मतलब टेंडर मेरे आदमी को मिल जाए, और उसमें एक दूसरे के बड़े मर्डर्स, किडनैपिंग, वो उन लोगों ने शुरू किया। तो ठेकेदारी के धंधे में आपका गैंग आपकी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। आपके ये लौंडे आपके लिए धौंस जमाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो बंदूक भी चलाएंगे। शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जहाँ पे गोली पड़ जाए आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है बचना। यही सब मेन शूटर का काम होता है कि यहाँ पे गोली मारो तो परी वाले की तरफ से ना आई हो तो बच जाए, वरना बचता बचता नहीं है आदमी। आपने अपने गैंग में सही से अगर इन्वेस्ट किया तो मुनाफे में पाएंगे सरकारी ठेके, और उनसे होगा आपको और भी मुनाफा। 90 के दशक में नामी गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी ने ये काम बड़ी खूबी के साथ किया, और बदले में उसको मिली पावर। सरकार के कुछ मिनिस्टर होते थे, कुछ विधायक होते थे, हर आदमी को जो है जरूरत पड़ती थी, किसी का जमीन का लफड़ा है, किसी का मकान का लफड़ा है, तो हमारे आपके कहने से होगा नहीं, मुन्ना बजरंगी कहेगा तो जो है हर आदमी उसके बात को सुनता था, उसकी जो है इसके वजह से उसके रिश्ते सबसे थे पूरे हिंदुस्तान में, बता तो रहे हैं आपको ना, विदेशों तक उसके हाथ थे जो है, उसके बहुत सारे लड़के जो है क्राइम करते थे जो है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ जिससे रिश्ता है, संबंध है, वहाँ जो है लोग चलते थे तो रोड छोड़ देते थे जो है कि मुन्ना बजरंगी जा रहा है इस रोड से, बहुत दहशत थी उसको। चोरी की बालू, बंधुआ मजदूरी और अकाउंट्स बुक को अप डाउन करके जो मुनाफा निकलता है
उसे ठेकेदार आगे देते हैं अपने गैंग मेंबर्स को सैलरी की तरह, जो बन जाती है उनकी खासे खर्चे। ऐसा आता क्या जिसे 10 लोग साथ में रहते, कोई काम हुआ तो अपना अपना सबका परसेंटेज होता है कि ये इस औहदे पे इनको इतना परसेंट दिया जाएगा, इनको 50%, इनको 25%। शूटर को मंथली पेमेंट वाला जो सिस्टम है वो सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया है तो बजरंगी गैंग ने शुरू किया है। पहले तो ये होता था कि बढ़िया जूता रिबॉक का, नाइक का दिला दिया, टी शर्ट दिला दिया, जीन्स दिला दिया और कुछ पैसे दे दिए। उनके पास यू विल फाइंड वेरी एक्सपेंसिव जॉगर्स, जितनी भी महंगी कंपनीज हैं उनके, उनको ट्रैक सूट का, लोअर्स वगैरह का बहुत शौक हुआ क्योंकि लोअर उनके लिए कंफर्टेबल होता है, जेल में भी लोअर पहन के आराम से रह सकते हैं बड़े क्रिमिनल। एक लोअर किसी के लिए सिर्फ एक लोअर है किसी एक ट्रैक सूट का, बट वो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए है कि वो एक एक्स वाई जेड कंपनी का लोअर है जो भैया ने पहना हुआ है, उसका कॉस्ट ये। मंदी के समय में आपके लड़के साइड बिजनेस में लग जाएंगे। आदमी स्मैक बेचने लगता है, चरस बेचने लगता है। हाँ, तो कभी जमीन पे कब्जा करके तो कभी फरौती मांग के अपना दिल बहला लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं। ठीका टेंडर जो है, जमीन का, बिल्डिंग का जो है, कोयले का है, शराब का है, सारा काम माफिया ही करते हैं जो है। धीरे धीरे गैंग की पहुंच बढ़ेगी। पहले सिर्फ गोली चला के टेंडर छीनते थे, अब दिन दहाड़े राइबल्स को गोली मारी जाती है। जो दुश्मनियां सरकारी ठेकों को लेकर शुरू हुई थीं, तो उनके परिणाम अब ठेकेदारों और बाहुबलियों तक ही सीमित नहीं थे बल्कि सरकार तक आ पहुंचे थे। द मेजर राइवलरी वॉज बिटवीन ब्रिजेश सिंह एंड मुख्तार अंसारी एंड देयर वॉज ग्रूसम किलिंग ऑफ सिटिंग MLA। इसको सबसे बड़ी किलिंग, सबसे बड़ी पॉलिटिकल किलिंग माना जाता है पिछले 25-30 सालों में, पूरे ईस्ट यूपी की कह लीजिए या पूरे नॉर्थ इंडिया की कह लीजिए, क्योंकि कृष्णानंद राय जी खुद एक बाहुबली थे। चार तरफ से उनको घेर करके मारा गया, असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया गया और मारने के बाद में हाथ से अंगूठी वगैरह भी मरने के बाद उनकी लाश से निकाल के ले गए थे लोग। वो चोरी के लिए नहीं ले गए थे, दैट वॉज द सिम्बल कि वो उनको मार दिया गया है, दैट रिंग वॉज अ सिम्बल। ठेके नशे फरौती के पैसे जमा तो कर लेंगे आप, मगर इनको ब्लैक से वाइट करने के लिए आपको किसी बिजनेसमैन से दोस्ती बनानी पड़ेगी और इस तरह आपके गैंग में आ जाएगा एक फाइनेंस डिवीजन और आपके गैंग की पोजीशन मजबूत बन जाएगी। फिर लोग आपको चोर गुंडा नहीं, बा से बाहुबली बुलाएंगे। आज के समय में उत्तर भारत में बाहुबली शब्द का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा, वो कुछ आपराधिक चरित्र के लोगों के लिए ज़्यादा किया जाने लगा है, तो वो एक पॉलिटिकल हैवी वेट न कह के उसको लोग बाहुबली कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो कि अपने बाहुबल से किसी चीज़ में मकाम हासिल किया हो, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अपराध में और या तो पॉलिटिक्स में। मुख्तार अंसारी के इलाके में जिस ज़माने में लखनऊ में 18 घंटा बिजली मिलती थी, वहाँ 24 घंटा बिजली मिलती थी, दूसरे जगह का पावर कट करके इसके एरिया में, ऐसा कहा जाता है। ये रॉबिनहुड की छवि में ये जनता से पैसा कभी नहीं लेते थे, ये सेलेक्टेड इनके जो जगह हैं उनसे काफी पैसा वसूल रहे हैं। खुद को रॉबिनहुड जैसा समाज सेवक दिखा के आप कुछ दिन शायद टिक जाएं, मगर गैंग की लाइफ साइकिल ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। पैसे बनाने के लिए पहुंच बढ़ानी पड़ती है और जहां पहुंच बढ़ाई वहीं हाथ काट दिए जाएंगे। पूर्वांचल में जितनी जल्दी 90s में गैंग बढ़ रहे थे, उतनी ही जल्दी सब गिर भी रहे थे, या तो पुलिस की गोली से या फिर बिल्डर पॉलिटिशियन की छल कपट से। गैंग लाइफ सीधे साधे लोगों के लिए तो है ही नहीं, मगर बेवकूफों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ढीले पड़ गए तो गोली पकड़ लेगी।